हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी संसार चैनल। आई विल थैंक्स टू विवेक सर हु गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन हिज चैनल। माय नेम इज सारिका गुप्ता एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, मेरी आज जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो टाइम ऑफ सप्लाई है, यानी गुड्स के केस में हम आज की प्रेजेंटेशन में यही देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है। मेन आप लोगों के माइंड्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि हम टाइम ऑफ सप्लाई क्यों फाइंड आउट करते हैं गुड्स के केस में। मेन क्या होता है कि जब भी कोई गुड्स की सप्लाई होती है तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारी जो लायबिलिटी है वो कब क्रिएट हो रही है। सपोज करो कि कोई भी हमारी गुड्स की सप्लाई हो रही है, वो सप्लाई हो रही है हमारी 25 मई में, तो उस वाले केस में हमारी जो टैक्स लेवेबल होगा वो पेएबल होगा लेटेस्ट बाई 20 जून, यानी उसके नेक्स्ट मंथ में। तो यही रीजन है कि हम गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी उससे नेक्स्ट मंथ में, जिस भी मंथ की हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो रही है तो उससे नेक्स्ट मंथ में हमारी टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो अपनी इस प्रेजेंटेशन में हम आज यही देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, जिसका कि सेक्शन 12 है। और इसमें जब भी गुड्स की सप्लाई होती है तो गाइस, गुड्स की जो सप्लाई हो सकती है वो एक तो फोवा चार्ज में हो सकती है, और फोवा चार्ज में जो हमारा सेक्शन है वो 12 सबसेक्शन 2 है, और हम वन बाय वन हर सेक्शन के बारे में देखेंगे कि उस वाले केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। एक तो फोवा चार्ज के केस में हम देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे रिवर्स चार्ज के केस में, यानी रिवर्स चार्ज जो हमारा उसका सेक्शन है 12 सबसेक्शन 3, और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि जब हम गुड्स की हम जब सप्लाई करें इन केस ऑफ वाउचर, यानी वाउचर हम किसी भी कस्टमर को दे रहे हैं, तो उस वाले केस में हमारी जो हम जो गुड्स की केस में जब वाउचर दे रहे हैं तो उस वाले केस में हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन है 12 सबसेक्शन 4। तो हम इन्हीं केस में हम यहाँ पर आज अपनी प्रेजेंटेशन में देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे फोवा चार्ज का, यानी जिसका सेक्शन है 12 सबसेक्शन 2। देखो, इस वाले केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होती है, टाइम ऑफ सप्लाई हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी किसी सप्लायर ने किसी भी कस्टमर को कोई भी गुड्स सप्लाई की है अंडर फोवा चार्ज, तो जिस दिन भी उसने इनवॉइस इशू की है वो वाली डेट, या फिर वो लास्ट डेट जिस दिन भी वो इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए थी अंडर सेक्शन 31। अच्छा, और सेक्शन 31 ये कहता है कि जब भी इन केस ऑफ गुड्स ऑफ मूवमेंट, यानी जब भी गुड्स मूव होती है, तो उस दिन जब भी हम कोई ऐसी मूवेबल गुड्स को की सप्लाई हो रही है, तो जिस दिन भी सप्लाई हुआ है उस दिन या उससे पहले हमारे हमारी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज करो कोई भी एक मशीन है, वो हमने सप्लाई की एक साइट पर, और इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर्स, वेंडर ने बहुत सारे कंपोनेंट्स सप्लाई किए, असेंबलिंग द मशीन एट साइट, और साइट पर असेंबल किए हैं वो सब पार्ट्स सब मशीन के। अब यहाँ डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनकी की डिटेल्स इस टाइप से हैं। एक डेट है 17 सितंबर, यानी जिस डेट पर परचेज ऑर्डर विद एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव फॉर मशीन बट 12 लाख, यानी 12 लाख की मशीनरी है और उसके अगेंस्ट में 50,000 का एडवांस रिसीव हुआ है सप्लायर को, एंड एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक ऑफ अकाउंट, और उसी डेट पर यानी 17 सितंबर को ही सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई है इसके रिगार्डिंग, यानी 50,000 की जो अमाउंट उसको रिसीव हुई है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक डेट कौन सी है, 20 अक्टूबर, यानी जिस दिन वो मशीन असेंबल हुई है, टेस्टेड एट साइट पर असेंबल हुई है कस्टमर के एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर, बायर ने उसको एक्सेप्ट किया, यानी 20 अक्टूबर। अच्छा, नेक्स्ट एक और डेट है यहाँ पर 23 अक्टूबर, यानी जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस रेज की है, असेंबल पहले की है 20 अक्टूबर को और इनवॉइस जो रेज हुई है वो हुई है हमारी यहाँ पर 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट एक और डेट है 4 नवंबर, यानी जहाँ 50,000 का जैसे पहले एडवांस पेमेंट सप्लायर को रिसीव हो गई थी, बाकी जैसे 12 लाख का हमारी इसमें प्राइस थी, वैल्यू थी सप्लाई की, तो बैलेंस जो 11 लाख 50,000 की जो अमाउंट रिसीव हुई है सप्लायर को, वो रिसीव हुई है यहाँ पर बैलेंस अमाउंट 4 नवंबर। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये सप्लाई किसके रिगार्डिंग है। हम जैसे गुड्स की केस की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 12 की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, फोवा चार्ज में ये फॉल होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे इनवॉइस, यानी किस दिन हमारी इनवॉइस इशू हुई है। इनवॉइस यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो इनवॉइस इशू हुई है वो हुई है 23 अक्टूबर को। अच्छा, दूसरी डेट हमारी होगी जिस दिन हमारी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए थी, यानी जिस दिन वो असेंबल हुआ है, मशीनरी असेंबल हुई है कस्टमर के यहाँ पर, यानी उस दिन हमारी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो दूसरी हमारी जो डेट आती है वो आती है हमारी 20 अक्टूबर।
तो इन दोनों डेट में से हम अर्लियर देखेंगे, इन दोनों डेट में यानी 23 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, इन दोनों डेट में यदि अर्लियर देखें तो 20 अक्टूबर हमारी डेट आती है। तो गाइज इस वाली केस में हमारे जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो 20 अक्टूबर होगी और पूरी होल अमाउंट के लिए होगी, यानी जो कि पूरी 12 लाख की अमाउंट है, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो हमने देखा कि यहाँ पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं रिवर्स चार्ज का, यानी जिसका सेक्शन है 12 सबसेक्शन 3, जैसे हमने अभी बात की थी। अच्छा, इस वाले केस में रिवर्स चार्ज, जैसे आपको पता है कि जहाँ पे रेसिपिएंट लायबल होता है जीएसटी डिपॉजिट करने के, उसी की लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जीएसटी डिपॉजिट कराने की, तो यहाँ पर जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा अर्लीस्ट, यानी एक तो वो डेट हम देखेंगे जिस दिन में उसको वो गुड्स रिसीव हुई है, रिसिप्ट की डेट, और या फिर वो पेमेंट, या जिस दिन उसने पेमेंट की है, सप्लायर को पेमेंट की है। नेक्स्ट थर्ड यहाँ इस वाले केस में हम कौन सी डेट देखेंगे, फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी जिस दिन इनवॉइस इशू हुई है उससे फॉलोइंग 30 डेज, उसके बाद के, यानी उसमें यदि हम 30 डेज प्लस कर देते हैं तो वो वाली हम डेट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, बाय चांस यदि हम किसी भी तरीके से यदि हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो यहाँ इस वाले केस में हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा कि रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस दिन भी डाटा की एंट्री कर रहा है, तो वो हाँ उस वाले केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अच्छा, इसका भी हम थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, एक एग्जांपल जैसे कि हमें यहाँ इस वाले एग्जांपल में टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमारी कुछ डेट्स हैं, एक तो 4 मई है जहाँ पर कि सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी सप्लायर ने गुड्स कस्टमर को सप्लाई की है जो कि टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज टू ब्रिजेंट कंपनी, कस्टमर है या ब्रिजेंट कंपनी। एंड अब यहाँ पर देखो यदि सप्लाई यहाँ पे जो सप्लाई ने इनवॉइसेस गुड्स, अच्छा इनवॉइस की है, सप्लाई ने इनवॉइस इशू की है गुड्स के अगेंस्ट में, यानी कौन सी डेट में, यहाँ पर डेट है यहाँ पर 4 मई। तो जैसे रिवर्स चार्ज के केस में हमने यहाँ पे देखा था कि हमने तीन डेट हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो जिस दिन रेसिपिएंट को वो गुड्स रिसीव हुई है, तो रेसिपिएंट को यहाँ इस वाले केस में हमारी जो गुड्स रिसीव हुई है वो हुई है हमारी 12 मई को, ब्रिजेंट कंपनी ने जो गुड्स रिसीव किए 12 मई को। दूसरी हम डेट देखते हैं पेमेंट की, यानी कस्टमर ने किस दिन सप्लायर को पेमेंट किया है, तो यहाँ ब्रिजेंट कंपनी ने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट किया 3 मई को। अच्छा, दूसरी थर्ड हम जो डेट देखते हैं वो देखते हैं कि जिस दिन भी इनवॉइस इशू हुई है उस इनवॉइस में यदि हम 30 डेज और प्लस करें। अब जैसे यहाँ पर सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू की है, यहाँ पर इनवॉइस इशू किया 4 मई को, तो इसमें हम यदि 30 डेज प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारी 30 डेज प्लस करने पर डेट आती है 3 जून। तो इन तीनों में से यानी तीन हमारी डेट आ जाती है 12 मई, 30 मई एंड 3 जून। तो इन तीनों में से अर्लीस्ट डेट जो हमारी होगी वो होगी हमारी 12 मई। तो यही हमारा जो होगा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो मेन यहाँ पर हम डेट ऑफ इनवॉइस नहीं देखते कि किस दिन, यहाँ पर नहीं कंसीडर करते, बल्कि वो फॉरवर्ड चेक के केस में हम कंसीडर करते हैं डेट ऑफ इनवॉइस। अच्छा, थर्ड जो हमने वाउचर की बात की है, कई बार क्या होता है कि कोई सप्लायर है वो वाउचर देता है कस्टमर को, वाउचर दिया। अच्छा, वाउचर अब कई बार क्या होता है कि वाउचर जब भी वो कस्टमर को सप्लाई कर रहा है तो वाउचर में आइडेंटिफेबल होता है कि वो वाउचर किस रिगार्डिंग, यानी किन प्रोडक्ट से रिलेटिंग है। यदि वाउचर में पूरा डिस्क्राइब है कि ये वाउचर सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, तो वहाँ उस वाले केस में जो हम टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं वो देखते हैं हम डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, यानी जिस दिन भी सप्लायर ने वो वाउचर इशू किया है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब वाउचर इशू किया जाता है, कई बार क्या होता है कि उसमें हमें ये नहीं पता होता कि क्या पर्टिकुलर आइटम उस वाउचर के अगेंस्ट में हमें परचेज करना है, तो उस वाले केस में हम यहाँ पर जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो होता है कि जिस दिन भी हम वो वाउचर रेडम्पशन करा रहे हैं, यानी जिस दिन भी हम उस वाउचर के अगेंस्ट में कोई गुड्स वगैरह या परचेज कर रहे हैं, तो वही हमारी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अच्छा, इस वाले केस को भी हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपके अभी आपको बताया कि जब हम वाउचर के थ्रू वाउचर किसी को दे रहे हैं, तो वाउचर में जहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया गुड्स को, तो उस वाले केस में हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई होगी कि जिस दिन भी हमारा वो वाउचर इशू हुआ है। एक एग्जाम्पल, यानी एक्मे सेल्स लिमिटेड है, सेल्स फूड कूपन्स टू ए कंपनी, उसने फूड कूपन्स दिए कंपनी को, और कंपनी गिव्स दीज कूपन्स टू इट्स एम्प्लॉइज, और कंपनी ने ये सारे कूपन्स अपने एम्प्लॉइज को दिए हैं एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीड परक्विजिट्स, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को दिए। द कूपन्स कैन बी रिडीम फॉर परचेज ऑफ एनी आइटम ऑफ फूड प्रोविजन्स इन द आउटलेट्स दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम।
अब यहाँ जो कूपन्स में कूपन्स दिए गए थे, कूपन्स उसके रिगार्डिंग थे, यानी कोई भी आइटम उनके अगेंस्ट में खरीदा जा सकता था। तो एज द सप्लाई अगेंस्ट भी द कूपन विल बी रिडीम्ड। अब यहाँ पर क्योंकि उन कूपन में ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि कौन सा पर्टिकुलर आइटम खरीदना है, तो यहाँ इस वाले केस में यहाँ जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा, यानी जिस दिन भी एम्प्लॉइज ने वो रिडीम किया है तो वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगा। दूसरा, मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि जब कई बार क्या होता है कि कूपन में पर्टिकुलर कोई चीज बताई गई होती है कि यही वो प्रोडक्ट खरीदना है, यानी आइडेंटिफाइड आइटम होता है, तो उस वाले केस में जिस दिन भी वो वाउचर इशू हुआ है तो वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है। जैसे ये भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। विद ईच परचेज ऑफ वन लार्ज पिज्जा, एक पिज्जा हट था, पिज्जा हट पे एक ऑफर था। ऑफर ये था कि यदि कोई भी एक बड़ा पिज्जा खरीदोगे तो उनको एक वाउचर दिया गया, यानी 20 रुपीज का, और उसमें ये ऑफर था कि उस वाउचर के अगेंस्ट में वो कोई भी कस्टमर छोटे छोटे स्मॉल पिज्जा परचेज कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही ये वाउचर दिया गया था तो यहाँ पर एक आइडेंटिफाइड आइटम था कि यानी वो एक पर्टिकुलर छोटा वाउचर, छोटा पिज्जा उस वाउचर के अगेंस्ट में परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ इस वाले केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा कि जिस दिन में वो वाउचर कस्टमर को इश्यू किया गया था, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई ये वाला होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अभी तो आज की प्रेजेंटेशन में हमने यही देखा कि टाइम ऑफ सप्लाई यानी इन केस ऑफ गुड्स। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना। प्रेजेंटेशन यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और नेक्स्ट जो वीडियो प्रेजेंटेशन जो लेके आऊँगी मैं वो लेके आऊँगी कि मैं जो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। अच्छा इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना ही, सब्सक्राइब भी करना, और यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेके आएंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू।